आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना, प्रभु आप सदैव हम सभी मनुष्य मनुष्यतर समस्त प्राणियों को देह आदि प्रदान कर सभी के लिए यथा योग्य व्यवस्थाओं को भी प्रदान करते हैं। उनके कल्याण के लिए सदैव अपनी कृपा दृष्टि से सबको नित्य ही प्रेरित कर सदैव उनका वर्धन करते हैं। मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांत शांत शांतिः। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज हम ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के चतुर्थ मंत्र पर विचार करेंगे। आज का मंत्र है यह प्राणतः इत्यादि। देखिए, सबसे पहले पदच्छेद पूर्वक शब्दों को मैं बोलता जाता हूं, आप मेरे पीछे पीछे प्रतिदिन की भांति दोहराते चलेंगे। यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक महित्वैक त्व फिर ऐक महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। इंद्राजा नहीं करेंगे यहां, इद राजा जगतो बभूव। य ईशे, ईकार भी दीर्घ है। अस्य द्विपदश द्विपदश चतुष्पदः। पदश में तालव्य शकार है और चतुष में मूर्धन्य, इसका ध्यान रखेंगे। द्विपदश चतुष्पदः कस्मै
यहां दंत्य सकार है। देवाय हविषा विधेम, एक बार संहिता पाठ भी देख लीजिए, फिर आप सब लोगों से एक बार सुनेंगे भी। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। बहुत सरल है, तो एक बार आप सभी उच्चारण कीजिए इसका। ॐ य प्राणतो निमिषतो विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। बहुत सुंदर, ठीक है, अब आगे चलते हैं। आइए इस पर विचार भी कर लेते हैं एक बार। इसका भाष्य देखते हैं। यह जो प्राणतः प्राण वाले और निमिषतः अप्राणी रूप जगतः जगत का महित्वा अपने अनंत महिमा से एकह इत एक ही राजा विराजमान राजा अर्थात अधिष्ठाता अर्थात स्वामी बभूव है। यह जो अस्य इस द्विपद चतुष्पद, द्विपदश चतुष्पद ऐसा था ना, द्विपद कहते हैं मनुष्य को, मनुष्य आदि जिनके दो पैर हैं, दो पगों वाले उनको कहेंगे द्विपद, और चतुष्पद जिनके चार पैर हैं और चार पैर से इतर भी, उन सबको क्या कहेंगे, चतुष्पद। ईशे रचना करता है, हम लोग कस्मई सुख स्वरूप देवाय सकल ऐश्वर्य के देने वाले परमात्मा के लिए देने हारे ऐसा हविषा अपनी सकल उत्तम सामग्री से विधेम विशेष भक्ति करें। और भक्ति शब्द पर और भक्त शब्द पर कल बहुत व्यापकता से हमने विचार किया था। तो देखिए जब हम इसी मंत्र को भाष्य के रूप में देखते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का समय है तो कई लोग इसके भाष्य को नेट पर भी देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए छोटी सी बात आपके साथ साझा करता हूं, आपको एक नई चीज पता चलेगी। यहां पर प्राणतः का अर्थ प्राण वाले कर रहे हैं और निमिषतः इसका अर्थ क्या कर रहे हैं, अप्राणी रूप जगत अर्थात संसार का, अर्थात चेतन और अचेतन दोनों के लिए, क्योंकि प्राण वाले मनुष्य और गौ आदि प्राणी हैं, जिनमें प्राण होता उन्हीं की प्राणी संज्ञा है, प्राणी संज्ञा ही उन्हीं की है जिनमें प्राण होता है। और यहां पर निमिषता का अप्राणी रूप कर रहे हैं, तो जिनमें प्राण नहीं है, जो प्राण के द्वारा संचालित नहीं है ऐसा उसको अचेतन कहेंगे। किंतु देखो यहां पर भी थोड़ा सा विचार करते चलते हैं। अरे हाँ, आपको भी तो एक दिखा देते हैं। आशा करता हूं आप सभी को दिख रहा होगा। यहां से देखिए, हाँ जी दिख रहा है।
ये वेद ऑनलाइन वेद करके है, onlineved.com, और इसमें हमने सेलेक्ट किया है आर्षभाष्य, और ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद के 23वें अध्याय का तीसरा मंत्र है ये, यह प्राणतो निमिषतो। ये देखिए, अब यहां पर देखिए, यह परमात्मा प्राणतः प्राणिनः, प्राणिनः प्राणतः, और निमिषतः इसका अर्थ देखिए क्या कर रहे हैं, नेत्रादिना चेष्टाम कुर्वतः महित्वा स्वमहिमना एकः अद्वितीयो असहायः इत एव राजा अधिष्ठाता जगतः संसारस्य बभूव यः ईशे ईष्टे इत्यादि। आगे की बात तो हम बस वहीं पर विचार करते हैं। और देखो इसका भाष्य भी देखो यहां, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग जो एक ही अपनी महिमा से नेत्रादि से चेष्टा को करते हुए प्राणी रूप दो पग वाले मनुष्य आदि वा चार पग वाले गौ आदि पशु संबंधी इस संसार का अधिष्ठाता है, जो इस संसार का सर्वोपरि स्वामी है, उस आनंद स्वरूप अति मनोहर परमेश्वर की विशेष भक्ति भाव से सेवा करें। वैसे विशेष भक्ति भाव का आप लोगों को भी विधान करना चाहिए ऐसा। और देखो ये हमने सेलेक्ट किया है कमेंटेटर में महर्षि दयानंद, यहां पर हम आर्ष भाष्य भी एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। नेट पर सब कुछ अच्छा ही मिलता है, ठीक ही मिलता है, मैं केवल ये दिखाना चाह रहा हूं, ये आर्ष भाष्य है, ये यजुर्वेद का महर्षिकृत भाष्य है इनके अनुसार। और देखिए यहां पर ये मैंने आर्ष भाष्य यहां पर कमेंटेटर में सेलेक्ट किया, उसके बाद यहां पर भी ठीक वैसा ही भाष्य है, इसलिए अच्छे प्रकार से व्यापकता से विचार करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा कई बार ऐसी ही स्थितियां आती हैं कि हम भ्रम में ही रह जाते हैं। आइए वापस अपने विषय पर आते हैं। प्राणतः निमिषतः, निमेश एक शब्द, निमेश निमेश उन्मेश आदि पलकों को झपकना ऐसा, उनके लिए निमेश आदि का प्रयोग किया जाता है। हम इसी अर्थ को देखेंगे, यही अर्थ प्रचलित भी है। निमिषतः शब्द का अर्थ प्राणी रूप ही करेंगे, अप्राणी रूप ही करेंगे, अर्थात अचेतन जगत। क्योंकि एक और बात देखिए, एक और छोटा सा विचार कर लेते हैं, यहां पर प्राणतः शब्द है, ये जो प्राण है यह प्राण भी जड़ वस्तु ही है, प्राण भी चेतन नहीं है, चेतन केवल पुरुष है, बाकी प्राण हो अथवा कोई भी व्यवस्था हो, समस्त पदार्थ प्रकृति से ही निर्मित हुए, यहां तक कि बुद्धि मन इत्यादि इन सबको भी जड़ कहा है, ये भी चेतन पदार्थ नहीं है। यद्यपि इनका सामर्थ्य इनकी शक्ति बहुत बहुत मतलब हमारी कल्पना से बहुत परे है, जड़ कहकर के सीधा सीधा बिल्कुल वो वाला हमने उसमें भी नहीं जाना है जो पूरी तरह से उसके सामर्थ्य को ही नकार देते हैं, उसकी उसकी महत्ता को ही बिल्कुल नकार देते, जड़ पदार्थ छोड़ो क्या करना है, यही जड़ पदार्थ मुक्ति का भी हेतु बनते हैं, यही मन यही बुद्धि इत्यादि। तो देखिए यह जो प्राणतः प्राण वाले और निमिषतः अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही अधिष्ठाता है, एक ही स्वामी है। क्यों स्वामी है इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। संसार में सर्वत्र यदि हम मनुष्य देह को देखें तो मनुष्य देह नामक जो मैकेनिज्म है, जो स्ट्रक्चर है, कहीं भी जाएं इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, यानी ये सेम प्रोडक्ट है,
और जो सेम प्रोडक्ट होता है उसको देख करके हमें यही पता चलता है कि इसके बनाने वाला कोई एक ही है। बनाने वाला यदि एक होगा तभी प्रोडक्ट सेम हो सकता है, या जिस विधि से बनाया जाता है उस प्रोडक्ट को वो विधि जहां जहां भी जाएगी उससे वैसा ही निर्माण होता है। उदाहरण के लिए लौकिक उदाहरण ले लेते हैं, तब समझ में आएगा कि राजा है इसका तात्पर्य क्या है। अपनी अनंत महिमा से एक ही अधिष्ठाता स्वामी है, इसका तात्पर्य क्या है? देखो लौकिक दृष्टि से देखते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं वर्तमान में एक कंपनी है MI, इसको बोलते हैं, या ओप्पो कह लीजिए या अन्य कोई ले लीजिए, उसने कोई फोन, कोई मोबाइल फोन बनाया। अब ये मोबाइल फोन की जो मूल मैन्युफैक्चरिंग है वो मान लेते हैं भारत में, अब भारत के अतिरिक्त भी अन्य देशों में भी ये मोबाइल बनता है, क्योंकि यहां से अगर वहां एक्सपोर्ट करेंगे तो वो कॉस्ट और ये सब चीजें बहुत सारी आती हैं। तो क्या करते हैं, अन्य अन्य देशों में भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां लगा देते हैं। इसमें होता क्या है, बिल्कुल वही जो विधि है उसके बनाने का जो पैटर्न है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, वो संरचनाएं, वो सारे पदार्थ सर्वत्र उपलब्ध हो ही जाते हैं। कुछ नहीं भी होते तो एक दूसरे देशों से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा ने ये जो मनुष्य और गौ आदि ये जो समस्त प्राणी है, इनका जो राजा है, इनके बनाने सर्वत्र जो व्यवस्था दिखाई पड़ती है उस व्यवस्था को देख करके ये जो कहते हैं ना सब लोग, नहीं ईश्वर तो एक ही है, नहीं परमात्मा तो एक ही है, भगवान तो एक ही है भाई ये, क्योंकि जब ईश्वर का प्रत्यक्ष किया नहीं, प्रकृति का प्रत्यक्ष हुआ नहीं, आत्मा को भी अभी तक प्रत्यक्ष नहीं किया, ईश्वर के विषय में भी कोई सामान्य ज्ञान भी ना हो भले, लेकिन ये जो कहानी, ये जो कथा है, ये जो कथन है ईश्वर एक है, ये किस आधार पर है? तो देखो उसका आधार ये है कि ये जो मनुष्य और गोवादी द्विपद और चतुष्पद है ये, और संसार में जो प्राणी और अप्राणी रूप, ये जितना भी जगत है, ये जितना भी सृष्ट पदार्थ है, इस सृष्ट पदार्थ की एक रूपता को देख करके तब पता चलता है कि इसका बनाने वाला कोई एक ही है। ये है यहां पर राजा शब्द का मुख्य तात्पर्य, राजा बभुव एक इत राजा बभुव, ऐसा है ना, तो यहां पर राजा शब्द का ये अर्थ है कि वही स्वामी है। और यहां से ये गुत्थी समझ में आती है कि जो वेद मंत्रों को तो छोड़ो, जो सामान्य ज्ञान भी नहीं रखते ईश्वर के विषय में, जो सामान्य भी नहीं रखते ज्ञान, केवल बस उनकी श्रद्धा मात्र है, केवल जिस रूप में ईश्वर को स्वीकार करते हैं उसी रूप में बस, लेकिन उनका भी ये जो कथन है ना ईश्वर तो एक ही है, वो ये है। तो जैसा हम कहा करते हैं कई बार कि सामान्य जिनको कहावत भी बोल देते हैं, जिनको सामान्य सामाजिक कथन भी बोल देते हैं, इनमें भी अनेकों वेद मंत्रों के अंशों को हम देख सकते हैं, ईश्वर एक ही है। तो ये है देखो ईश्वर एक है राजा, ये है इस कहावत में वेद मंत्र। आगे देखते हैं, यह जो अस्य द्विपदः चतुष्पदः, इन मनुष्य आदि, अब मनुष्य के ही दो पैर होते हैं क्या ये विचार आता है, तो नहीं मनुष्य के नहीं, कंगारू के भी दो पैर होते हैं, और कंगारू क्यों, ऐसे अनेकों जीव हैं जिनके दो पैर होते हैं, पक्षियों के भी दो ही पैर होते हैं, पक्षियों के कौन से चार पैर थोड़े ही होते हैं। आदि शब्द देखो भाष्य में, ये जो आदि मनुष्य आदि है ना, इसे केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्यतर जिनके भी दो पैर हैं, दो पग वाले हैं, इसलिए इसको क्या कहा, द्विपदः और चतुष्पदः गौ। अब गौ शब्द किसका नाम है, जिसको हम गाय नाम से जानते हैं, और केवल गाय ही क्यों, क्योंकि गाय सर्वोत्तम सर्वोत्तम उपयोगी पशु है। मनुष्य जीवन में पृथ्वी पर, या यूं कहें
जब तक जीवन संभव है, जब तक इस धरा पर गौ नामक प्राणी है, गाय नामक प्राणी विद्यमान है। क्योंकि सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाय नामक प्राणी है। ऐसा नहीं है कि ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो अन्य महत्वपूर्ण नहीं है, अन्य का भी अपना अपना महत्व है। जैसे बकरी है, भैंस है, ऊंट है, जो भी प्राणी है, उन सब का भी अपना अपना महत्व है, किंतु जितना महत्व गाय का है उतना नहीं है। कारण क्या है? तो देखो, आज हम कितने सारी समस्याओं का एक साथ सामना कर रहे हैं। एक छोटी सी बात साझा कर रहा हूं मात्र, सब्जियां केमिकल से युक्त, फल केमिकल वाले, ड्राई फ्रूट्स उनके ऊपर केमिकल, अर्थात कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी शुद्ध नहीं मिल सकता आपको। क्यों? उत्पादन अधिक चाहिए, मूल्य अधिक चाहिए, अर्थवृत्ति केवल काम कर रही है। अर्थवृत्ति ऐसा नहीं है पहले काम नहीं करती थी, पहले भी अर्थवृत्ति काम करती थी, लेकिन व्यक्ति परिणति पर भी ध्यान रखता था, व्यक्ति इस पर भी विचार करता था कि इसका परिणाम किस रूप में होने वाला है, मैं जो यह करने जा रहा हूं इसका परिणाम किस रूप में होगा। उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात बताता हूं, मैं छोटा ही था, बच्चा ही था, और हमारे पिताजी क्योंकि कृषि कार्य करते तो हमने बचपन में खूब ये लौकी, तोरी आदि, टमाटर ये खूब उगाए हैं। तो पिताजी एक समय ऐसा आता था कि जब डाई और यूरिया इन दोनों को मिलाकर के और एक एक निराई टमाटर आदि में देते थे, तो एक दिन हमने कहा कि लाओ हम भी डाल करके देखते हैं। ऐसे बच्चे को होता है, जिज्ञासा सी होती है, कुछ भी करते हुए देखता है तो कि वो भी करे। अब पिताजी ने कहा लो ठीक है, तो हमने एक मुट्ठी भर के वो डाई और यूरिया जो मिला हुआ था उसमें थोड़ा जिंक भी था, जिंक सल्फेट आता था एक, इन तीनों को मिला करके और हमने एक मुट्ठी भर के ऐसे डाल दिया। तो हमने जो टमाटर का पौधा था उसके समीप डाल दिया, तो पिताजी ने हमें तुरंत टोका और कहा इस पौधे की जड़ में मत डालो। मैंने कहा क्यों? उस समय चूंकि बच्चे थे तो बस सामान्य बोले बेटा ये अच्छा नहीं होता, बस ऐसे कहकर तो उन्होंने हमें टाल दिया। यद्यपि वो यूरिया, डाई, जिंक, ये फॉस्फोरस ये सब डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका ये विचार है कि पेड़ से थोड़ा दूरी पर डालना है, वहां तक केवल उसकी भावना जाए, केवल उसका संस्कार जाए। डायरेक्ट ही यदि पौधों में डाल देंगे तो ये पौधा भी हानिकारक हो जाएगा, ये उनका विचार। ये बहुत अच्छा विचार नहीं है यद्यपि, किंतु फिर भी यहां पर भी इतना है। आज तो स्थितियां ही बदल गई हैं, आज तो इंजेक्शन, तरबूज हो, खरबूजा हो, लौकी हो, कुछ भी हो, इन सब में अच्छे से इंजेक्ट किया जा रहा है, अनेकों प्रकार के केमिकल इंजेक्ट किए जा रहे हैं, और इनकी परिणति क्या है, इनको जो खाने वाले हैं वो भी दुख पा रहे हैं, और इनको जो उगाने वाले हैं, जो ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं, उनके दुख की तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि वो कितना कितना अधिक दुख पाने वाले हैं। इसलिए अर्थवृत्ति हमारे पूर्वजों की भी होती थी, लेकिन देखो कितने बुद्धिमान थे, जिनको हम ओल्ड समझते हैं, जिनको हम जो ट्रेंड को नहीं समझते। हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे, तो देखो जैसे ही कोई फसल उगाते थे इस प्रकार की, लौकी या तुरई आदि की, गूगल से, लोबान से, चहू और एक यज्ञ का ही एक आंशिक रूप, गूगल और लोबान जला करके चहू और परिक्रमा करवाते थे, जैसा हमने पिछले दिनों भी एक बार संकेत किया था। और छिड़काव किससे करते थे? गोमूत्र से, गोमूत्र में अन्य कई सारी वस्तुओं को डाल करके। यदि कीड़ा हो जाता था तो देखो इसका भी कितना सुंदर पैटर्न था, जिन वनस्पतियों को, जिन पौधों को, जिन पत्तियों को गाय ना खावे, ऐसे पौधों को लिया जाता था, उनका रस निकाल करके और कुछ मात्रा में उसको इतने जल में मिला करके उसका छिड़काव किया जाता था, यानी कीट आदि से रक्षा के लिए भी बिल्कुल प्राकृतिक उपचार, कोई दवाई का प्रयोग नहीं, कोई केमिकल का प्रयोग नहीं, और गोमूत्र का छिड़काव, और खाद के रूप में क्या करते थे, शुद्ध गाय का खाद, गाय के गोबर का खाद,
शुद्ध एकदम, ये हमारे लोग बुद्धिमान थे। आज फिल्टर ये सारी चीजें होते हुए भी हम प्रायः रोगी हैं, रुग्ण हैं, दुखी हैं। लेकिन देखो हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता, स्वाभाविक रूप से जो जल का निकास है वो समझते थे कि जल के भूमि में जाने की गति कितनी है और जल के निकास की गति कितनी हो सकती है। तो उन्होंने कुएं, बावड़ी, तालाब इनका निर्माण करवाया। ये थे वास्तव में राजा, ये थे जिसको अभी हमने इस मंत्र में देख रहे थे, राजा बभुव, ये लोग थे राजा। क्यों? इन्होंने जैसे परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि को रच करके प्रदान किया और उसके ऊपर उसका स्वामित्व है, वही एक अधिष्ठाता है, स्वामी है, कोई उसका अतिक्रमण नहीं करता जैसे परमात्मा। और परमात्मा के बनाए नियमों का भी अतिक्रमण ये पूरी प्रकृति अर्थात सृष्टि नहीं करती। ठीक ऐसे ही हमारे जिन पूर्वजों को हम ओल्ड समझ लेते हैं, जो ट्रेंड को नहीं समझते ऐसा समझ लेते हैं, देखो वास्तव में कितने बड़े अधिष्ठाता थे वो लोग, कितने बड़े स्वामी थे। प्रकृति के साथ तारतम्य जिसने भी बनाया ना वो सुखी रहा। एक प्रायः एक विचार चलता है, एक पोस्ट चलती है, हमारे बड़ों ने नदियों में जल देखा, उसके बाद तालाबों में देखा, उसके बाद कुओं में देखा, हमने नलों में देखा, हमने नलों में जल देखा। नल होते थे ना हैंडपंप जिनको बोल देते हैं। वर्तमान में जो पीढ़ी है, आज वाली जो पीढ़ी है वो किससे देख रही है? समरसेबल जो है ये वाला। आने वाली पीढ़ी कहां देखेगी? वर्तमान में पीढ़ी जल को कहां देख रही है? बोतल में या वीडियोस में। आने वाले समय में इसी प्रकार से यदि जल आदि का दोहन होता रहा तो किस रूप में देखेगी? तो आज देखो भूमिगत जल का स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है। कारण वही, जल के जाने की गति का जो रेशियो और जल की निकासी का जो इस समय रेशियो है, ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे, इसलिए जल का स्तर घट रहा है भूमि में। जल कम नहीं होता कभी भी, जल कभी भी कम नहीं होता, ये ध्यान रखिए। पूरी पृथ्वी में यूं कहें जितना जल है उसका केवल मात्र 2% ही ऐसा है जो पीने योग्य है। ये कभी भी समाप्त नहीं होता, कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन लेकिन ये विद्यमान है और सदैव रहने वाला है जब तक इस सृष्टि की स्थितियां बची रहेंगी। लेकिन हो क्या रहा है, जल का जो निकास है, जल को जो निकालना है भूमि से, उसकी गति कितना है? एक ही सेकंड में, या यूं कहें एक मिनट में कितने गैलन वाटर, कितने गैलन पानी हम निकाल रहे हैं भूमि से। लेकिन जाने के लिए ना तो हमने तालाब छोड़े और ना ही अब ऐसी स्थितियां रही जहां से जल भूमि में समा सके। अधिकांश या तो कंक्रीट है, या तो रोड है, या तो पक्का है। अस्तु, तो जैसे परमात्मा अधिष्ठाता है, स्वामी है, राजा है, वैसे हम भी हो जाएं। कैसे? प्रकृति हमारे साध्य को सिद्ध करने का साधन है। मन एव मनुष्याणाम बंध मोक्षयोः इत्यादि, मन ही बंधन का और मन ही मुक्ति का भी साधन बनता है। ऐसे संपूर्ण पदार्थों को देख सकते हैं। क्यों दोहन करना है, किस लिए दोहन करना? अनावश्यक रूप से पहले मान लीजिए 4 मंजिला मकान बनाएंगे, इतने स्क्वायर फीट में बनाएंगे, अब प्रतिदिन उसकी धुलाई करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि अच्छे घर नहीं बनाने चाहिए, लेकिन जितनी आवश्यकता है, जितने से काम चल सकता है। लेकिन आज मनोवृत्ति किस प्रकार की काम करती है? नहीं, बहुत आलीशान चाहिए, बहुत आकर्षक चाहिए, जिसमें अट्रैक्शन हो, जिसमें अनेकों सुविधाएं। अच्छा कोई बात नहीं, सुविधा वाला भी बना लीजिए, लेकिन उतना तो बनाइए जितना वर्तमान में आपको आवश्यकता है। आपको आवश्यकता 2 कक्ष की है, आप 2 बना लीजिए, 3 बना लीजिए अधिकतम, कि चलो 1 कक्ष अतिथि आदि के लिए हो जावे। लेकिन स्थितियां कैसी होती हैं, व्यक्ति रहने वाले उस घर में केवल 2 हैं और एक, चलो संतान 1 मान लो या 2 मान लो, केवल 4 प्राणी उस घर में रहने वाले हैं। और पता चला उस घर की शुद्धि के लिए प्रतिदिन 3 घंटे लगाने पड़ते हैं और 3 घंटे तक लगातार पानी बहाया जाता है। पानी बहाने के बाद फिर ना जाने क्या क्या प्रक्रियाएं चलती हैं। तो जीवन किसकी भेंट चढ़ गया?
इसी साधन की, इसी घर की। तो साधन केवल जीवन को सरल बनाने के लिए होते हैं। वाहन जो शब्द है ना, वाहन, ये वहने के लिए है, अर्थात साधन के रूप में। लेकिन पता चला वाहन ही अब जीवन का साध्य बन गया। तो हम ये कब कर पाएंगे? जब हम राजा हो पाएंगे। हमें बस राजा हो जाना, जब हमें स्वामी हो जाना, हमें दास नहीं होना, हमें गुलाम नहीं होना। और हम गुलाम हो गए इन सब पदार्थों के। परमात्मा ने तो रच करके दिए ही हमारे लिए। परमात्मा का इससे कोई प्रयोजन नहीं है, उसका कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ये सब कुछ हमारे लिए ही है, हम सभी जीवों के लिए। देखो कितनी उत्तम विचार, कितना उत्तम विचार है। द्विपदः चतुष्पदः और ऊपर प्राणतः निमिषतः, और कैसा है उसकी अनंत महिमा है, अनंत सामर्थ्यशाली है ऐसा। तो हमें बस कितना होना है, हमें राजा हो जाना, हमें स्वामित्व को समझ लेना है। हम जो समझते ना कि ये घर मेरा है, ये वाला, ये मन मेरा है, ये बुद्धि मेरी है, देखो ये कब हो सकता है, ये कथन कब ठीक है? जब ये मेरे अनुशासन में, मैं इनके अनुशासन से संचालित ना हूं, अपितु मेरे अनुशासन में ये सब संचालित हो। कौन? ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, समस्त इंद्रियों सहित और बाह्य जो भी पदार्थ है उनके ऊपर भी मेरा स्वामित्व है, मैं उनका दास नहीं हूं। कई बार साधन कोई पकड़ लेता है, व्यक्ति उसी से चिपक जाता है। तो ये बस हमें कितना होने की आवश्यकता है, अधिष्ठाता, स्वामी, इसको समझ लेना होगा। और जिस दिन हम राजा अर्थात भक्त हो जाएंगे, भक्त होने की आवश्यकता है, राजा होने की आवश्यकता है। राजा और भक्त ये दोनों अलग नहीं है, ध्यान रखिए। स्वामी, यदि राजा समझ में ना आए तो स्वामी और भक्ति ये दोनों अलग नहीं है। और क्या करें, सुख स्वरूप आए कस्मई, उसी के लिए जैसा हम प्रतिदिन करते हैं, देवाय, सकल ऐश्वर्य के देने वाले परमात्मा के लिए, अपनी सकल उत्तम सामग्री से। हविषा, हवि, तो देखो हवि के रूप में हम क्या कहते हैं, अयंत इद्म आत्मा ऐसे। और सकल उत्तम सामग्री क्या है, हमारे पास जो भी कुछ पदार्थ है भक्ति के रूप में, जो भी कुछ हमारे पास पदार्थ है, दृष्ट अदृष्ट, बाहर और भीतर, इसमें भी जो सर्वोत्तम पदार्थ है वो हम हवि के रूप में अर्पण करें। जैसे हम प्रायः यज्ञ आदि की परंपरा वाले हैं, जैसे कि आज पूर्णिमा है तो अभी हम इस कक्षा के उपरांत यज्ञ आदि जैसे हम भी करेंगे, तो प्राय एक विचार चलता है यज्ञ में तो कैसी भी सामग्री का प्रयोग कर लेंगे, कैसे भी घी का प्रयोग कर लेंगे। स्वयं के खाने के लिए एक अलग घी है, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है यज्ञ के लिए ऐसे ही कोई सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी, फोर्थ क्वालिटी का घी आता है, जिसको वो घी के नाम पे, वो घी नहीं वास्तव में वो केवल पाम ऑयल है, उसको अभी प्रयोग करते हैं ना। इसे तो अच्छा मत कीजिए, यज्ञ के स्वरूप को विकृत करने से अच्छा है किया ही ना जावे। वो घी के नाम पे चर्बियां हैं, है ना, उससे अच्छा ना किया जावे। भले ही पाक्षिक ना करो, मासिक कर ले, लेकिन कैसा करें, जितना अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार, दो ना करो, एक ही कर लो माह में। माह में भी यदि ऐसी भी स्थितियां नहीं तो भले ही तीन माह में एक बार कर लो, दो माह में एक बार कर लो, हर ऋतु के अनुसार हो जाएगा, तीन में एक बार कर लो, किंतु उत्तम से उत्तम होना चाहिए। यज्ञ का जो शुद्ध स्वरूप वो नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वामी होने का तात्पर्य ही तब है सार्थक, जब हम शुद्ध को शुद्ध ही रख पाए, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने रखा। पृथ्वी हो, वायु हो, जल हो, आकाश हो, हमारे पूर्वजों ने इनको कभी नहीं बिगाड़ा, लेकिन हम सबसे अधिक बिगाड़ रहे हैं। यज्ञ का तात्पर्य केवल अग्निहोत्र नहीं, देखो जल को शुद्ध रखना, जल का अत्यधिक दोहन ना करना, ये भी तो यज्ञ है। और हमारे पूर्वजों ने देखो कितना बेहद यज्ञ किया। यदि उनको वस्त्र धोना है
और वो किसी तालाब के पास है तो तालाब में भी वस्त्र नहीं धुलते थे। मुझे भी ध्यान है अभी भी, तालाब के समीप ऐसी छोटी छोटी चौकियां बनी होती, तालाब से पात्र भर के लाया जाता था और अलग वस्त्र धुलते थे। आज क्या है, आज यदि देखें तो जैसा कि मैंने कहा कि बचपन से कृषि आदि कार्य हमने होते हुए देखा, स्वयं भी किया, तो ट्यूबवेल होती है। और कई बार होता क्या है, ट्यूबवेल वो प्रति सेकंड बहुत कई गैलन पानी वो प्रति सेकंड निकलता है उस ट्यूबवेल में, तो वहीं पर वस्त्र धुले जा रहे हैं। और छोटे से छोटा से जल की आवश्यकता है, उसमें अनेकों प्रकार का केमिकल डाला जा रहा है। ऐसे वायु को देख लीजिए, हमारे पूर्वजों ने क्या उनको नहीं लगा होगा कि पॉलिथीन की आवश्यकता है, लेकिन कभी नहीं। दूध किनमें आता था उनका, पात्रों में, स्टील के पात्र होते थे या अन्य पीतल के पात्र होते थे, और तेल पात्रों में लाते थे। पहले तो स्वयं ही निकलवाते थे और उसको अपने पात्रों में भरकर रख लेते थे, और यदि लाना भी होता था किसी के यहां से, यदि लाना भी होता तब भी पात्रों का प्रयोग होता था। ऐसे ही किसी भी पदार्थ को देखे तो वो किन का प्रयोग करते थे, प्रायः धातु आदि के पात्रों का ही प्रयोग करते थे। आज मसाला हो, किचन मसाला जिसको आप बोलते हैं, कुछ भी लाना हो, जीरा हो, हल्दी हो, सब पैकेट, ऑयल हो पैकेट, घी हो पैकेट, अर्थात ऐसा कौन सी व्यवस्था है जिसमें पॉलिथीन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पॉलिथीन का प्रयोग हो रहा है, ये बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन इससे भी बड़ी गंभीर समस्या क्या है, देखो, जहां पॉलिथीन का एक बहुत बड़ा ढेर होता है उसमें ज्यादातर आग लगा दी जाती है। हमारे पूर्वजों ने ये कभी नहीं किया, वायु को सदैव शुद्ध रखा। बड़, पीपल, नीम, शीशम, कितने हमारे पूर्वजों ने कितना इन पौधों को संरक्षण दिया। सबसे अधिक यदि संरक्षण इन पौधों को, इन वृक्षों को मिला तो हमारे पूर्वजों के काल में। आज आपको दूर दूर तक शीशम देखने को नहीं मिलेगा, नीम दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। पहले प्रत्येक घर में और एक घेर होता था, घर होता था मनुष्य आदि के रहने के लिए, और घेर में पशु आदि रहते थे या घर के बड़े लोग रहते थे जो वृद्ध होते थे। हर घर में नीम होता था और घेर में तो कई कई नीम होते थे, शीशम होते थे इत्यादि। बस हमें यही भक्त बनने की आवश्यकता है, हमें यही अधिष्ठाता स्वामी राजा बनने की आवश्यकता है। और सकल उत्तम सामग्री अर्थात जो जो पदार्थ हमें मिले हैं, हम उनको केवल तेन त्यक्तेन भुंजीथा, भोगने के लिए प्रभु ने भी मना नहीं किया, लेकिन कैसे, त्यागपूर्वक, दोहन नहीं करना। यदि मैं दोहन करूंगा मेरे जीवन में किसी भी पदार्थ का, निश्चित बात है मैं सुखी उतना नहीं रह सकता जितना संसार से सुख लिया जा सकता है, जितना संसार के पदार्थों के साथ सुखी रहा जा सकता है, उतना भी नहीं रह पाऊंगा, निश्चित है, अकाट्य सत्य है, शाश्वत है। तो मैं कैसा हो जाऊं, भले ही भोगू लेकिन त्यागपूर्वक, अर्थात दोहन ना करते हुए, बस मैं भक्त हो जाऊंगा। यहां पर ये है, अर्थात जो भी श्रेष्ठ पदार्थ हैं, जो भी मुझे प्राप्त है, अब मुझे का तात्पर्य हम सभी को जो जो वस्तु, जो जो पदार्थ प्राप्त हैं, उनका दोहन ना करें, आवश्यकता के अनुसार संरक्षित करते हुए उनका सदुपयोग करें। प्रयोग भी नहीं कह रहा हूं, सदुपयोग, यद्यपि प्रयोग शब्द भी प्रकर्ष रूप से जिसका योग, जिसको व्यवहार में ला जाए ये है, लेकिन मैं सदुपयोग, बस ये शब्द ही बहुत गंभीरता को बताता है। ठीक है, तो आज के विषय को इतना ही रखते हैं। इससे संबंधित यदि किन्हीं का कोई प्रश्न आदि है तो वो हैंड रेज करें। ओम ओम आचार्य जी, ये प्राण जो है किससे उत्पन्न होता है जी? प्राण किससे उत्पन्न होता है, इसका कारण? प्राण का कारण नहीं, प्राण किससे उत्पन्न होता है जी? आप अपने प्रश्न को स्पष्ट कीजिए, और आप अच्छा, प्रश्न मैं स्तर पर पूछ रहे हैं। ये प्राण जो है ना, जब आपने जड़ पदार्थ भी बोला इसका प्राण को यहाँ पे, तो मैं पता भी जानकारी होनी चाहिए प्राण किससे उत्पन्न होता है, यही जिज्ञासा है जी मेरी। प्रकृति से, प्रकृति से तो चलो ठीक है।
हमें पता नहीं है, ऐसे प्रकृति से तो इसकी क्रिया से दिखाते हैं, इसे महत्व से अहंकार अहंकार से ये इसकी प्रक्रिया महत्व में प्राण की कहीं नहीं मिलती जी। अच्छा, आपका प्रश्न इस पर है कि जो सांख्य दर्शन में सत्व रज तम साम्यवस्थाम प्रकृति प्रकृतिर महान महत्व अहंकार है, इस प्रक्रिया में आप जानना चाहते हैं कि प्राण की भूमिका कहाँ पर है, ऐसा? हाँ जी, ऐसे रहता है, प्राण जो अन्न से भी बनता है, उत्पन्न होता है, ऐसे भी आता है उपनिषदों में, तो उत्पत्ति इसकी किससे होती है प्राण की? आपका प्रश्न ये है कि जो सांख्य दर्शन आदि में ये वहां पर ये विचार किया गया है कि सत्व रज तम साम्यावस्थायां प्रकृति ही प्रकृतेर महान महत्व अहंकार अहंकारात् पंच तन्मात्राणि इत्यादि, इसमें प्राण कहाँ पर है, यहाँ पर प्राण किससे उत्पन्न होता है, यही प्रश्न है ना आपका? ये जी। ठीक है, तो देखो तन्मात्राओं से उत्पन्न होता है, यदि इसी प्रक्रिया में समझना चाहते हैं तो तन्मात्राओं से प्राण उत्पन्न होता है, ठीक है ना? तन्मात्राओं के उपरांत ही तो देखो इसको ऐसे भी समझ लो, स्थूल पदार्थ जो है, स्थूल पदार्थों में आप किस किस को लेते हो धर्मदेव जी? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जी। वायु, इसमें एक वायु पदार्थ भी है ना, तो ये वायु, ये जो पंच स्थूल भूत है, स्थूल भूत और उसके बाद भी देखो तो मन आदि इन्हीं तन्मात्राओं से निर्मित होते हैं, तो प्राण भी तन्मात्रा से ही निर्मित होता है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए ठीक है, अन्य किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, एक बार प्रणव का उच्चारण। हाँ कनिका, कोई प्रश्न है क्या? मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है मैसेज के थ्रू, संहिता पाठ आपने बताया था ना शुरू में, संहिता पाठ, ग्रहण पाठ और सस्वर पाठ और श्रुति पाठ, इन दोनों, इन चारों का थोड़ा सा मुझे इन पर प्रकाश डाल दीजिए कि क्या होते हैं। आपने कोई प्रश्न पूछा, अच्छा कोई मैसेज डाला है क्या, देख लेते हैं। धनी, संहिता पाठ किसे कहते हैं? तो बिटिया रानी, संहिता कहते हैं परह सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की परस्पर समीपता को संहिता कहते हैं। जैसा कि प्राणतः, देखो इसी मंत्र में देखेंगे, यह प्राणतः, ये पद पाठ है, निमिषतः महित्वा एक इत राजा जगतः बभूव य ईशे ईशः अस्य द्विपदः चतुष्पदः, ये पद पाठ है। लेकिन जब हम करते हैं यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक, ये है आपका संहिता पाठ। सस्वर पाठ किसे कहते हैं? तो देखो यह के बाद जो प्रा है, प्रा में एक ऊपर ये चिन्ह लगा हुआ है, इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए, जिन ये कौन सा स्वर है उस स्वर का प्रयोग करते हुए जो पाठ किया जाता है उसको सस्वर पाठ कहते हैं। जैसा कि हमने गायत्री मंत्र का आपको करके दिखाया था, जैसा कि यहां पर भी एक संकेत करते चलते हैं, देखो इस मंत्र में भी जब हम संहिता पाठ करते हैं तो प्रायः कैसा पाठ करते हैं, ओम यह प्राण तो, ऐसा पाठ करते हैं। लेकिन जब सस्वर पाठ होगा जानते क्या हो जाएगा, यहां पर उपध्वनि हो जाएगा इसका, इस विसर्ग को उपध्वनि आदेश हो जाएगा और क्या होगा, यह प्राण तो निमिषतो, ऐसा हो जाएगा, ये सस्वर पाठ है। घन पाठ और श्रुति पाठ, बिटिया श्रुति पाठ तो ऐसा कुछ नहीं होता, श्रुति के तो केवल श्रवण करने को कहते हैं। घन पाठ, जटा पाठ, माला पाठ, ये जो है ना, ये वेदों के मंत्रों को पाठ करने के ऋषि प्रदत्त प्रारूप है। जैसा जैसा कभी भी आप सुनेंगे तो यूट्यूब पर जाइए, वहां पर किसी भी मंत्र का घन पाठ ऐसा डाल करके आप सर्च कीजिए, वहां पर आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा किसी को, किसी भी मंत्र को, कि घन पाठ इस वेद मंत्र का या वेद घन पाठ, ऐसा केवल इतना सा टाइटल डाल करके आप सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये घन पाठ, माला पाठ, जटा पाठ, विकृति पाठ, ये सब क्या होता है। ठीक है, आठ प्रकार से वेद मंत्रों का पाठ किया जाता है ऋषि प्रदत्त व्यवस्था में,
ये तो ऋषियों के द्वारा प्रदत्त व्यवस्था है जहां आठ प्रकार से पाठ किया जाता है और उसमें यही घन माला जटा शिखा इत्यादि ये पाठ होते हैं। ठीक है? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इतना अच्छे तरीके से आप समझाते हो और बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। चलिए धन्यवाद। चलिए प्रणव का उच्चारण और कक्षा को विराम। ओ शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर नमस्कार सर जी। नमस्ते।